सिंड्रेला परी का जादुई ब्रह्मास्त्र। एक बहुत ही बड़े और सुंदर परीलोक में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला परी। सिंड्रेला परी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल उसका एकमात्र हथियार था। वो अपने बालों से कुछ भी कर सकती थी। वो कोई भी वस्तु दूर से ही उठा सकती थी। वो अपने बालों से ही खेला करती थी। कोई भी छोटी मोटी चीज उठाने के लिए अपने बालों का ही इस्तेमाल किया करती थी। सिंड्रेला की आंखें बहुत ही बड़ी और नीली थी। गोल मुंह और सुंदर गुलाबी होंठ थे। सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर बाकी की परियां सिंड्रेला से बहुत जुड़ती थी। सिंड्रेला अभी 12 वर्ष की थी और वो परीलोक में सबसे छोटी परी थी, इसलिए बाकी सभी परियां छोटे मोटे काम सिंड्रेला परी से ही करवाती थी। सिंड्रेला, परीलोक में खेती बाड़ी कम होने के कारण सब्जियां पूरी नहीं हो पा रही है। तुम ये पैसे ले जाओ और पृथ्वीलोक से सब्जी खरीद कर ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाकर पृथ्वीलोक से सब्जियां ले आती हूँ। सिंड्रेला वो सभी पैसे ले जाकर पृथ्वीलोक पर पहुँच जाती है और वहाँ पर सब्जियां खरीद लेती है और वापस परीलोक आ जाती है। सिंड्रेला एक समुद्र के किनारे एक राज्य में रहती थी ताकि वो राज्य में सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। वो बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी। हालांकि उसके नटखट दिल के कारण आसपास की परियां उसे थोड़ा कम समझते थे, परंतु फिर भी सिंड्रेला अपने आप में बहुत खुश रहती थी। एक बार सिंड्रेला परी अकेले ही जंगल में टहलने के लिए जाती है। टहलने के दौरान सिंड्रेला परी अचानक से एक वस्तु से टकरा जाती है। जैसे ही सिंड्रेला नीचे देखती है तो वो देखती है कि वहाँ कुछ चमकती हुई चीज है। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही चमकीली है। मुझे तो ये कोई क्रिस्टल नजर आ रहा है, परंतु ये रास्ते में क्यों पड़ा हुआ है? लगता है इस क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। सिंड्रेला उस क्रिस्टल को उठा लेती है। जैसे ही वो उस क्रिस्टल को उठाती है तभी उसे एक शक्ति का अनुभव होता है। वो कुछ ऐसा महसूस करती है जैसा उसने आज तक कभी नहीं किया था। वो नहीं जानती थी कि आखिर वो क्रिस्टल है क्या और किसके लिए बना है, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि ये कोई विशेष क्रिस्टल है। सिंड्रेला उस क्रिस्टल को ध्यान से देखने लगती है। तभी क्रिस्टल से एक आवाज आती है। ये क्रिस्टल कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है सिंड्रेला, ये बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जिसे ब्रह्मास्त्र के रूप में जाना जाता है। ये ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही महान शक्ति से बना हुआ है। तुम इस ब्रह्मास्त्र की मदद से कुछ भी कर सकती हो। और तुम जानती हो ये तुम्हें क्यों मिला है? क्योंकि तुम एक नेक दिल और दयालु लड़की हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस जादुई क्रिस्टल का कभी गलत उपयोग नहीं करोगी। ये आवाज सुनकर सिंड्रेला को बहुत अजीब महसूस हुआ, परंतु वो समझ गई थी कि ये आवाज बहुत ही बुद्धिमान और प्राचीन है। उसके बाद सिंड्रेला उस ब्रह्मास्त्र को अपने पास रख लेती है और उसे रानी परी के पास ले जाती है। परीलोक पहुंचने के बाद सिंड्रेला वो क्रिस्टल रानी परी को दिखाती है। क्रिस्टल देखते ही रानी परी सब समझ जाती है। तब रानी परी को याद आता है कि काफी सालों पहले रानी परी और एक चुड़ैल का मुकाबला हुआ था, जिस मुकाबले में रानी परी ने वो क्रिस्टल खो दिया था, जिसके बाद से बाकी सभी परियों की शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी और अब परीलोक पर खतरा भी बढ़ गया था। तभी रानी परी एक साधु बाबा के पास गई। बाबा, आप तो हम सभी परियों का रहस्य जानते ही हैं। चुड़ैल से युद्ध होने के बाद हम वो क्रिस्टल खो चुके हैं और वो कहीं नहीं मिल रहा है। बाबा, हमारी मदद कीजिए। रानी परी, आप निश्चित हो जाइए, मैं सब जानता हूँ। परीलोक पर कोई भी आपदा नहीं आएगी, क्रिस्टल बहुत ही जल्द मिल जाएगा। जो भी परी उस क्रिस्टल का हकदार होगा उस परी को वह क्रिस्टल खुद पे खुद मिल जाएगा, आप निश्चित रहिए। रानी परी सिंड्रेला परी के पास क्रिस्टल देखकर बहुत चकित रह गई थी और वो अब समझ गई थी कि सिंड्रेला ही वो परी है जो ब्रह्मास्त्र के काबिल है। रानी परी सिंड्रेला परी को सभी परियों के सामने सिंड्रेला परी को सम्मानित करते हुए वो ब्रह्मास्त्र सिंड्रेला परी को दे देती है
और सिंड्रेला परी को उसके सभी शक्तियों के बारे में बताती है। सिंड्रेला परी, मैं जानती हूँ तुम इस ब्रह्मास्त्र का बखूबी ध्यान रखोगी, फिर भी ध्यान रहे, जिसके भी पास ये ब्रह्मास्त्र होगा उसे बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना होगा। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस वस्तु की मदद से सभी लोगों की मदद करूंगी और इसका बहुत ध्यान रखूंगी। सिंड्रेला परी ब्रह्मास्त्र से राज्य के सभी लोगों की रक्षा करती है और परीलोक को बुरे साए से दूर रखती है। रानी परी को सिंड्रेला परी की बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगता है। सिंड्रेला बहुत अच्छे से उसका प्रयोग कर रही थी। ये सब देख रानी परी को सिंड्रेला परी के पास ब्रह्मास्त्र होने की बहुत खुशी होती है। सिंड्रेला अपने ब्रह्मास्त्र का भले के लिए ही उपयोग करती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंड्रेला परी सबसे शक्तिशाली परी के रूप में बदल गई थी और अब सिंड्रेला परी को ब्रह्मास्त्र परी के नाम से जाना जाने लगा। पूरे परीलोक में सभी परियां सिंड्रेला परी का सम्मान करने लगी और उसकी प्रशंसा करती थी। इस तरह सिंड्रेला परी ने परीलोक और राज्य में शांति और समृद्धि लाने का पूरा प्रयास करती और अपने ब्रह्मास्त्र की शक्ति का बहुत अच्छे से उपयोग किया करती। दुनिया में अच्छाई और प्रकाश लाने के लिए ब्रह्मास्त्र की शक्ति का सिंड्रेला बहुत अच्छे से उपयोग किया करती, इसलिए सभी परियां हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगी थी। परंतु एक दिन फिर से एक चुड़ैल जन्म लेती है। जब उस चुड़ैल को ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में पता चलता है तो वो उसको हासिल करना चाहती थी। चुड़ैल का मकसद होता है उस क्रिस्टल को हासिल करना, ताकि क्रिस्टल की सभी शक्तियाँ चुड़ैल के पास हो जाए और वो दुनिया पर राज कर सके। क्रिस्टल की शक्तियाँ केवल परीलोक की परियां ही जानती थी। चुड़ैल ने उन शक्तियों के बारे में केवल बस सुना ही था। चुड़ैल किसी भी तरह से वो हासिल करना चाहती थी। चुड़ैल पूरे दिन यज्ञ करने लगती और अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगती और योजनाएं बनाती कि किस तरह परीलोक से क्रिस्टल को जीता जाए। काफी सालों तक यज्ञ करने के बाद चुड़ैल के पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है। फिर वो उस क्रिस्टल को हासिल करना चाहती थी। चुड़ैल जानती थी कि परीलोक में चुड़ैल नहीं जा सकती, क्योंकि परीलोक में एक सुरक्षा कवच लगा हुआ था। वहाँ पर कोई भी बुरा साया प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए वो पृथ्वी लोक पर सभी लोगों को परेशान करने लगती है, सभी के घरों में आग लगा देती है और सारी फसलें खराब कर देती है। लोग बहुत परेशान हो गए थे। लोग मदद के लिए परी को पुकार रहे थे। सिंड्रेला परी सो रही होती है, तभी सिंड्रेला को उसके क्रिस्टल से आवाज आती है। अरे अरे, ये तो पृथ्वीवासियों की आवाज आ रही है, लगता है वो किसी मुसीबत में है, मुझे इसी वक्त पृथ्वी लोक जाना होगा। सिंड्रेला पृथ्वी लोक पर अपनी शक्तियों से पहुंच जाती है। वो देखती है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगी हुई है। ये सब देखकर सिंड्रेला को अंदाजा लग गया था कि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये किसी बुरे साए का ही काम है। तभी सिंड्रेला उस क्रिस्टल के अंदर देखने लगती है कि ये किसका काम है। सिंड्रेला देखती है कि एक चुड़ैल पृथ्वी लोक पर सभी लोगों को परेशान करने आई है और उसका मकसद क्रिस्टल को हासिल करना था। सिंड्रेला परी किसी भी कीमत पर वो क्रिस्टल चुड़ैल को नहीं देना चाहती थी। सिंड्रेला चुड़ैल का डटकर सामना करने के लिए जाती है। चुड़ैल और सिंड्रेला के बीच बहुत घमासान युद्ध होता है और आखिर में सिंड्रेला अपने ब्रह्मास्त्र की शक्तियों के कारण जीत जाती है। सिंड्रेला उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेती है। चुड़ैल को हराने के बाद सिंड्रेला पूरे गांव को पहले जैसा कर देती है और सभी लोग फिर से सिंड्रेला की जय जयकार करने लगते हैं और वो लोगों के दिलों में फिर से अपनी एक जगह बना लेती है। क्योंकि चुड़ैल के पास बहुत सी शक्तियाँ थी तो वो उस पिंजरे से आजाद हो जाती है और कहती है, सिंड्रेला परी, तुम मुझे अपनी शक्तियों से कभी नहीं हरा पाओगी। शायद तुम भूल गई हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा मकसद तुम्हारे उस जादुई क्रिस्टल को हासिल करने का है। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर फिर दोबारा आऊंगी, अपनी शक्तियाँ दोबारा लेकर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे ये क्रिस्टल मैं जीत कर ही दिखाऊंगी।
इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सिंड्रेला परी जानती थी कि वो चुड़ैल सिंड्रेला परी से क्रिस्टल कभी नहीं छीन सकती। अब सिंड्रेला परी उस क्रिस्टल का और ध्यान रखने लगती है और सभी गाँव वालों की रखवाली करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है, दिव्यापुर नामक गांव में सुनीता और अर्चना अपनी सौतेली माँ शोभा के साथ रहते थे। सुनीता और अर्चना की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और उनके पिताजी विनोद शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुनीता और अर्चना की मां की मृत्यु होने के कारण विनोद को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुनीता और अर्चना के पिताजी विनोद उन दोनों का ध्यान रखने के लिए शोभा नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। शोभा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम महिमा था। शुरू शुरू में शोभा विनोद के सामने अर्चना और सुनीता से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। परंतु विनोद के शहर चले जाने के बाद शोभा सुनीता और अर्चना से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन महिमा अपनी माँ शोभा से कहती है, माँ मैं अपने दोस्तों के साथ पैसिफिक मॉल घूमने गई थी और वहाँ मुझे एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आ गई है और वो ड्रेस कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो तुम्हारे लिए वो ड्रेस अभी खरीद कर ले आते हैं, तभी तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लगेगी। वैसे कितने की है तुम्हारी वो ड्रेस? माँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 8,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो ड्रेस खरीद लेगा। शोभा और महिमा मॉल के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सुनीता शोभा से कहती है, माँ मेरे सारे कपड़े पुराने और फट गए हैं, कृपया करके आप मेरे लिए सस्ते से कपड़े खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले तो तेरे लिए बाजार से कपड़े खरीद कर लाई थी, इतने जल्दी फाड़ लिए तूने। अब तुझे वही फटे पुराने कपड़े पहनने होंगे और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर शोभा अपनी बेटी महिमा के साथ मॉल में कपड़े खरीदने चले जाती है और सुनीता शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जी खरीदने चली जाती है। सुनीता बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुनीता उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप इस तरह सड़क के किनारे क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ, कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो। सुनीता उन बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर सड़क पार करा देती है। फिर जब सुनीता वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी में बदलकर सुनीता को आवाज लगाती है और सुनीता से कहती है, रुको सुनीता, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुनीता मैं ही वो बूढ़ी दादी थी, मैं परीलोक में अपनी परी बहनों के साथ रहती हूँ। मेरी सारी बहनें कहती है कि पृथ्वी लोक के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना कोई तो पृथ्वी लोक पर अच्छा इंसान होगा, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप एक परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सुनीता मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर अब भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की, इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक लड़की हो। ये लो ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारे बुरे समय में मदद करेगी। परी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है, क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ क्यों नहीं, ये लो ये दोनों जादुई लहंगे हैं। ये पहला लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वही ये दूसरा लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुनीता परी से वो दोनों लहंगे लेकर घर आ जाती है
और अर्चना को सारे बात बता देती है। सुनीता दीदी, अब तो हमारे पास ये दो जादुई लहंगे हैं, क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। अर्चना, तुम ठीक कह रही हो, माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। और इसी तरह सुनीता और अर्चना शोभा और महिमा के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देते हैं और एक जंगल में चले जाते हैं। अब उन दोनों को रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुनीता जादुई सोने के लहंगे से बोलकर जादू से घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के लिए एक सुंदर सा घर दे दो। सुनीता के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए कोमल सोफे आदि लग्जरी चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुनीता और अर्चना के पिताजी विनोद शहर से काम की छुट्टी लेकर घर लौट आते हैं। विनोद घर आकर शोभा से बोलता है, शोभा, मेरी दोनों प्यारी बेटी सुनीता और अर्चना कहाँ है? जी पता नहीं सुनीता और अर्चना कहाँ चली गई। मैं महिमा के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ घर पर नहीं थी। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है, पता नहीं दोनों बेटी किस हाल में होगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली, और यह बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, उन्हें घर से गायब हुए पूरा एक महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारे बातों से साफ नजर आ रहा है, जरूर तुमने बेचारी उन दोनों को बहुत परेशान करा होगा, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई होगी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी दोनों प्यारी बेटी, मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ, जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेगी उसी घर में मैं रहूँगा। और इस तरह विनोद घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद विनोद को जंगल में एक घर दिखाई देता है। विनोद चलते चलते बहुत थक गया था, वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटी सुनीता और अर्चना वहाँ बड़े ही प्यार और स्नेह से रह रही थी। सुनीता और अर्चना अचानक अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, आप हमारे पास आ गए, हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सोतीली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से दिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सोतेली माँ शोभा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ, और अब मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। यह सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी खुश होगी। और उस दिन के बाद विनोद अपनी दोनों बेटियाँ सुनीता और अर्चना के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।